आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे ये वीडियो मुंबई में बोरीवली ईस्ट में लोकेटेड है इसमें आप देखोगे तो हमने टू बी एच ए का फाइव सेवेंटी कारपेट एरिया है उसका हमने पूरा इंटीरियर का काम किया हुआ है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने जो सेफ्टी डोर बनाया है सेफ्टी डोर हमने लेमिनेट फिनिश में हमने बनाया है सेफ्टी डोर में आप देखोगे तो ये जो लेमिनेट हमने जो यूज़ किया हुआ है ये हमने हाइग्रोस लेमिनेट में यूज़ किया हुआ है और ऊपर में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पर जो पैनलिंग है वो पैनलिंग हमने पूरी ऊपर तलक सीलिंग तलब पैनलिंग भी की हुई है और उसके सेंटर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोविजन भी दिया हुआ है उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि के सूज़ कैबिनेट है तो क्लाइंट के पास जो एग्जिस्टिंग उनका जो सूज कैबिनेट था उसका हमने लेमिनेट चेंज करके यहाँ पे हमने सेम लेमिनेट हमने यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे हमने दिया हुआ है और उनको एक नेम प्लेट जो है नेम प्लेट भी उनको जो चाहिए थी कि जिसमें लाइट्स वगैरह हो काफ़ी यूनिक दिखे तो वो हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट भी हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है आइए देखते हैं कि मेन डोर मेन डोर में जैसे कि आप देखोगे तो जो बिल्डर ने जो उनको जो डोर्स दिया हुआ था वो डोर्स ही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसका जो लेमिनेट वो लेमिनेट निकाल के जो सेफ्टी डोर में जो लेमिनेट लगा हुआ है वही लेमिनेट हमने यहाँ पे प्रेस किया हुआ है लिविंग रूम में जो उनको जो टीवी यूनिट है और उनको कुछ ये जो वॉल है वो वॉल भी उनको हाईलाइट करनी थी तो वो किस तरह से कर सकते हैं तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे आप देखोगे तो हमने एक बैक साइड में हमने यहाँ पे एक राफ़्टर हमने पीवीसी के जो क्रिएट किए हुए हैं ये राफ्टर का हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है और उसी के पास में आप देखोगे तो जो टीवी है टीवी के बैक साइड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लेमिनेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे तो इसमें वाइट के अंदर ब्लैक कलर के स्पॉटेड्स उसमें फिगर्स है नीचे में अगर आप देखते हो तो जैसे कि टीवी के जो दो ड्रॉवर्स है तो यहाँ पे हमने दो बड़े बड़े ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ब्लैक में प्रोफाइल डोर्स दिया हुआ है सेटअप बॉक्स के लिए उस तरीके से और आप देखोगे तो सेटॉप बॉक्स के नीचे की जो स्पेस है वो भी उनको यूटिलाइज कर सके इसलिए हमने आप एक ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरीके से आप देखोगे तो उनको ये जो लिविंग एरिया है वहाँ पे उनको एक डाइनिंग टेबल का भी प्रोविज़न चाहिए था और वो भी वॉल माउंटिंग चाहिए था तो वो किस तरीके से, से कर सकते हैं तो आप देखोगे तो जैसे कि ये जो आप प्लेस देख रहे हो तो ये प्लेस हमने वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल के लिए हमने यहाँ पर दी हुई है डाइनिंग टेबल में जैसे कि आप देखोगे तो टी का जो टॉप जो है वही टॉप हमने यहाँ पे लेमिनेट यहाँ पे, पे यूज़ किया हुआ है और उसकी यहाँ जो हमने बॉर्डर जो है वो हमने यहाँ पे बॉर्डर में ले वाइट टेक्सचर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है डाइनिंग टेबल का अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेस देखते हैं तो इस तरीके से एक्सेस है इनका कि जैसे कि यहाँ पे दो जन बैठ सकते हैं और एक जन यहाँ पे बैठ सकते हैं तीन जन का यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है और इसका जो आप देखोगे तो एक्सेस काफ़ी ईजी है यूज़ करना जो है बंद करना काफ़ी ईजी है और एक आप देखोगे तो पूरा एक एंटर करके काफ़ी अच्छा सा एक पूरा एक लुक भी आ रहा है लिविंग रूम में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने थ्री सीटर सोफे का भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और उसी के साथ में आप देखोगे तो ऊपर में जो सीलिंग का जो हमने काम किया है फुल सीलिंग वो फुल सीलिंग भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पर काउ शेप में पूरा फुल सीलिंग किया हुआ है उसमें जो हमने जो सीलिंग लाइट्स जो हमने यहाँ पर दी हुई है वो हमने यहाँ पर राउंड हमने लाइट्स दी हुई है उसी तरीके से उनका जो किचन है किचन में उनको ओपन किचन कॉन्सेप्ट चाहिए था तो क्या कर सकते थे तो ओपन किचन कॉन्सेप्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल क्रिएट की हुई थी जो बिल्डर्स ने दी हुई थी तो ये हमने ब्रेक की हुई है यहाँ पे और आप देखोगे तो किचन जो है किचन हमने पूरा सिंगल कलर में वाइट में हमने यहाँ पर बनाया है किचन का अगर आप देखोगे तो किचन का जो पूरा साइज़ है वो साइज़ है टेन फीट बाई सेवन फिट टू इंचज़ का पूरा ये किचन है किचन में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लेमिनेट हमने हाई ग्लोज कलर में यूज़ किया हुआ है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सिंक है सिंक के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स है और हमने यहाँ को डस्बिन वगैरह की प्रोविजन नहीं चाहिए थी इसलिए हमने खाली डोर्स ही दिए हुए हैं तो जो बिल्डर ने जो दिया था वो ब्लैक कलर का था तो वो काउंटर हमने निकाल के यहाँ पे हमने ग्रेनाइट जो है वो ग्रेनाइट हमने यहाँ पे लगाया है जैसे किचन है तो किचन के साइड में भी हमने यहाँ पे दो ड्रॉवर्स दिए हुए हैं ये आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नीचे में हमने यहाँ पे यूटेंसिल्स रखने के लिए प्रोविजन किया हुआ है बड़े साइज के दो ड्रॉवर्स है और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो ट्रॉलीज दी दिए हुए स्टील की ट्रॉलीज दी हुई है और उसमें जो हैंडल्स आप देखोगे तो हमने हैंडल्स यहाँ पे पोलग्रिक हैंडल जो बोलते हैं सी फिनिश में वो हैंडल्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है और उसमें जो चैनल्स लगी है वो हैटिक कंपनी की चैनल्स है उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे हमने दो ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं और सेंटर में एक वुडन का सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो बड़ी साइज़ के जो भी यूटेंसल्स है वो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड पे वो रख सकते हैं और जैसे कि यहाँ पे कुकिंग है तो कुकिंग के नीचे भी हम देखोगे तो यहाँ पे हमने कटलेरी के लिए प्रोविज़न किया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे छोटी प्लेट्स वगैरह रखने के लिए है और इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे थाली और बड़ी प्लेट्स रखने के लिए दिया हुआ है और ऊपर में जो कैबिनेट्स है तो कैबिनेट्स हम देखोगे तो यहाँ पे हमने जो डोर्स है डोर्स सारे हमने यहाँ पे इक्वल पार्ट्स पर हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है जैसे वॉशिंग मशीन का जो उनका एरिया है तो वॉशिंग मशीन के ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो वाटर प्योरीफायर के लिए भी जो उनको जो स्पेस हमने यहाँ पर दिए तो यहाँ पर वो वाटर प्योरीफायर रख सकते हैं और नीचे में एग्जैक्टली यहाँ पर मटके के लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है और उसी के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने स्टोरेज जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि उनके जो ये जो एग्जिस्टिंग उनके पास जो टप्पर वेयर के जो डिब्बे हैं वो डिब्बे यहाँ पे रखने के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है और ऊपर में जैसे कि लॉफ्ट है तो लॉफ्ट आप देखोगे तो यहाँ जो कैबिनेट है वो कैबिनेट से थोड़ा लॉफ्ट को हमने बाहर निकाला है और जो टॉप ओपनिंग डोर्स है ऊपर की तरफ उनका एक्सेस है तो कुछ इस तरह से ऐसी चीज़ रहती है जो बहुत कम यूज़ कर सकते हैं तो वो कहाँ पर रखना है तो उसके लिए आप ऊपर में आप यहाँ पे हमने स्टोरेज दिया हुआ है आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और किस तरह से वो दिख रहा है जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने बेडरूम का भी जो काम किया हुआ है तो बेडरूम में आप सबसे पहले देखोगे तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में, में मेरे जो वार्ड्रॉप हमने ओपनेबल वार्ड्रॉप्स का काम किया हुआ है ओपनेबल वार्ड्रॉप्स में देखोगे तो उसमें जो आउटर फिनिश जो हमने ली हुई है वो हमने मैट लेमिनेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है और स्टोन फिनिश में उसमें हमने वो हिसाब से हमने प्रिंट ली हुई है उसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने एक पैटर्नस हमने दी हुई है जो हमने फ्लूटेड लेमिनेट हमने यहाँ पे उसमें यूज़ किया हुआ है और दो लेमिनेट के बीच में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रोज़ गोल्ड में टी पट्टी भी दी हुई है वाड्रॉप जो है पूरा साइज़ उसका है वो एलेवन फीट टू इंचिस बाई एट फीट थ्री इंचिस का पूरा ये वॉड्रॉप है वोप में अगर आप इंटरनल भी आप देखते हो तो हमने यहाँ मैक्सिमम हमने यहाँ पे स्टोरेज ही हमने यहाँ पर दिया हुआ है तो उसमें आप देखोगे तो नीचे में हमने यहाँ पे ड्रॉर्स दिए हुए हैं उसके ऊपर में हमने यहाँ पे लोकर का प्रोविजन किया हुआ है और उसके ऊपर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं जो क्लाइंट की भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मैक्सिमम उनको स्टोरेज चाहिए था उसको अकॉर्डिंग टू तो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और आप देखोगे तो इसमें हमने जो एक्सटर्नल हैंडल्स भी हमने दिए हुए तो एक्सटर्नल हैंडल्स में भी हम आप देखोगे तो साइड में बॉर्डर्स में ग्रे और रोज गोल्ड का हमने यहाँ पर कॉम्बिनेसन लिया हुआ है उसी तरीके से आप देखोगे तो हमने वार्ड्रॉप के ऑपोजिट साइड में हमने यहाँ पे बेड का भी प्रोविज़न किया हुआ है बेड अगर आप देखोगे तो बेड की जो साइज़ है वो सिक्स फिट सिक्स इंचेस का पूरा ये बेड है बेड भी हमने यहाँ पे स्टोरेज वाला बेड लिया हुआ है हाइड्रोलिक वाला आप देखोगे तो अगर इसको ओपन करते हो तो इस तरह से पूरा इसमें स्टोरेज है और बेड के अगर आप बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने हेडबोर्ड जो हमने यहाँ पर लिया हुआ वो लेदर फिनिश में हमने यहाँ पर हेडबोर्ड हमने यहाँ पर लिया हुआ है और हेडबोर्ड की आप और तीनों साइड पर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वुडन वोड़, वुडन की फ्रेम दी हुई है और बेड के लेफ्ट साइड में जैसे कि आप देखते हो तो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल हमने, हमने, हमने दिए हुए है जिसमें हमने यहाँ पे दो ड्रॉवर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके ऊपर में हमने यहाँ पे एक मिरर का प्रोविजन किया हुआ है जो मिरर है हमने प्लाई के ऊपर हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्टिक किया हुआ है और उसी तरीके से आप ऊपर में भी देखोगे तो हमने यहाँ पे जो फोल सीलिंग जो है तो फोल सीलिंग भी हमने यहाँ पे की हुई है और उसका जो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो ये कलर भी हमने जो यूज़ किया हुआ है वो हमने यहाँ पे लाइट यहाँ पे क्रीम कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और उसके अंदर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे भी इसमें टेक्सचर यूज़ किया हुआ है और उसी तरीके से ये जो आउटर वॉल जो है वो आउटर वॉल को भी हमने यहाँ पे टाइलिंग की हुई है जो ब्रिक स्टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ की है आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम कॉमन बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ दी है और किस तरह से वो दिख रहा है जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने कॉमन बेडरूम में भी हमने जो काम किया है वो किस तरह से है जैसे कि मेरे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक मिरर का हमने प्रोविजन किया हुआ है उसमें कम डेप्थ वाला हमने एक यूनिट लिया हुआ है कम डेप्थ का यूनिट लेने का रीज़न वो इस तरीके से है कि जैसे कि आप डोर ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से चीज़ रहती है कि बेल्ट वगैरह रहते हैं कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं वो हैंग करने के लिए आपको प्रोविज़न चाहिए जो कम पहने हुए रहते कपड़े तो वो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो बेल्ट वगैरह हैंग कर सकते हो और ऊपर में हमने यहाँ पे एक सेल्फ दी है जिसमें छोटी छोटी चीज़ आपको कुछ भी चीज़ रखनी हो आप उसके अंदर रख सकते हैं आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओपनेबल वाड्रॉप्स हमने दिए हैं वॉड्रॉप्स का जो पूरा जो साइज़ है वो फाइव फीट बाई एट फीट थ्री इंचज़ का पूरा ये वाड्रॉप है वाड्रोप में आप सबसे पहले देखोगे तो हमने यहाँ पे आउटर फिनिश हमने ली हुई है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने फ्लूटेड हमने यहाँ पे डिजाइन हमने ली हुई है और उसी में हमने यहाँ पे बीच में गोल्डन टी पट्टी से हमने यहाँ पे दूसरा लेमिनेट के साथ में उसको यहाँ पे हमने ब्रेक किया हुआ है और एग्जैक्टली उसके हैंडल्स भी आप देखोगे तो हमने जो हैंडल्स हमने लिए हुए हैं वो गोल्ड फिनिश में हमने यहाँ पर लिए हुए है, जो हैं जो कंसिल हैंडल है वार्ड्रोप में अगर आप देखोगे तो जैसे कि डोर्स ओपन करते हो तो हमने इंटरनल हमने यहाँ पर स्टोरेज हमने दिया हुआ है सेंटर में हमने ड्रॉवर्स दिया हुआ है और ऊपर में सेल्फ दिए हुए हैं और उसी तरीके से आप ऊपर में भी देखोगे तो हमने टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं जिसे लॉफ्ट कहते हैं और वाड्रॉप के एग्जैक्टली आप देखोगे तो सामने की साइड में हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक में हमने बेड दिया हुआ है बेड का जो पूरा साइज़ है वो फाइव फीट बाई सिक्स फीट सिक्स इंचिस का पूरा ये बेड है जो स्टोरेज के साथ में है बेड के पीछे में जो हेडबोर्ड है वो हेडबोर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुस्तिंग का हमने जो काम किया हुआ है और उसके ऊपर में आप देखोगे तो ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए हमने सीलिंग तलक का यहाँ पे हमने पैनलिंग किया हुआ है और उसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक छोटे से हमने तीन रेक्टेंगल हमने नीस एरिया हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है स्टडी टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉवर का प्रोविज़न किया हुआ है उसके ऊपर में जब आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कैबिनेट दिए हुए हैं जिसमें दो डोर्स दिए हुए हैं जिसमें उनके जो बुक्स वगैरह जो भी स्टोर वगैरह करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं और आप देखोगे तो कैबिनेट के बॉटम में हमने यहाँ पे लाइट का भी प्रोविज़न यहाँ पे किया हुआ है उसी तरीके से आप ऊपर में भी आप देखोगे तो जो सीलिंग का जो काम है वो सीलिंग भी हम यहाँ पे इस तरह से की हुई जैसे जिस तरह से बेड है तो बेड की जो लेंथ है वो हिसाब से हमने सीलिंग भी हमने थोड़ी डीप की हुई है उसके हमने यहाँ पर उस हिसाब से हमें हाइट भी काफ़ी अच्छी सी मिल सके और यहाँ पर आप देखोगे तो हमने ए पैनलिंग जो है वो ए पैनलिंग का भी हमने यहाँ पर काम किया हुआ है और सेम वॉल में जो देखते हो तो जो टेक्सचर हमने यहाँ पे यूज़ किया हो ये भी लाइट यहाँ पे क्रीम कलर का हमने यहाँ पे टेक्सचर पेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है जैसे कि हाँ आपने हमारा पूरा ये वीडियो हमारा देखा है तो आपको ये टू बी के का हमारा पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे फॉरवर्ड कीजिए थैंक यू